ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 688 युवा लिखित परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इनमें 582 लड़के व 106 लड़कियां हैं, जबकि 3214 युवा फिजिकल टेस्ट में फेल हुए हैं। भारी गर्मी के भी चलते युवा मैदान में फिजिकल टेस्ट में अपना शत प्रतिशत नहीं दे सके। सिलेक्ट हुए युवा अब 30 जून को होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। उसके बाद ही युवाओं को फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना साकार हो सकेगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 688 युवा लिखित परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इनमें 582 लड़के व 106 लड़कियां हैं, जबकि 3214 युवा फिजिकल टेस्ट में ही फेल हो गए। उन्हें अब अगली भर्ती का इंतजार करना होगा, तभी उनका फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना साकार हो सकेगा। आपको बता दें कि फॉरेस्ट सर्कल हमीरपुर में 12 पदों को भरने के लिए बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के खेल मैदान में 10 दिनों तक फिजिकल टेस्ट आयोजित किए गए। भर्ती में 9130 युवाओं को कॉल लेटर के जरिए बुलाया गया था। इनमें से 57% युवाओं ने भर्ती में रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते 5228 युवा मैदान में अनुपस्थित रहे, जबकि 42% युवाओं ने ही भर्ती में रुचि दिखाई। 3902 लड़के व लड़कियों ने भर्ती मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। फिजिकल टेस्ट में 17% युवा ही लिखित परीक्षा में सिलेक्ट हो पाए हैं। आधे से भी ज्यादा युवा 100 मीटर की दौड़ व हाई जंप में ही बाहर हो गए हैं। इसके अलावा तपती गर्मी भी युवाओं के हौसलों पर पानी फेरती नजर आई। भारी गर्मी के चलते भी युवा मैदान में फिजिकल टेस्ट में अपना शत प्रतिशत नहीं दे पाए। सिलेक्ट युवाओं को अब 30 जून को होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। उसके बाद ही युवाओं को फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना साकार होगा। फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। सिलेक्ट युवा भी टेस्ट की तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि फॉरेस्ट बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। फॉरेस्ट सर्कल की माने तो 1-2 दिनों के अंदर सिलेक्ट युवाओं के एडमिट कार्ड विभाग की साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि युवा साइट से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें।